सा गेम, देसी बाबू इंग्लिश मैम, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी जी बस मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ जी। ये लो जानी, कितने हो गए? 3,000। अरे बाबा 4,000 हुए ना, 1,000 तो मैंने भी दिए तुम्हें। अच्छा आटा दाल चावल और घी, ये चारों चीजें 1,000 रुपए के ले आओ। बाबा सब्जी वाले से धनिया भी डलवा ले। धनिया के पैसे कहाँ बचेंगे? बाबा धनिया तो मुफ्त में आता है ना। धनिया हो गया बड़ा, बगैर पैसों के नहीं आता वो। अच्छा बाबा तुम धनिया मत लाना, ठीक है अब जाओ। वैसे मैडम ये औरतों का काम है जो आप मुझसे करवा रही हैं। मुझे ऑफिस जाना है ना, मुझे वापसी में थोड़ी देर हो जाएगी। लो बताओ, जिसको घर में होना चाहिए वो मीटिंग में जा रही है, और जिसको मीटिंग में जाना चाहिए वो घर में बैठा हुआ है। अरे बाबा मुझे लग रहा है ये तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। वाह बच्चू भाई वाह, मान गया मैं आपको, बड़े सही आदमी हो, गेम शो में जा सकते हो। लेकिन बाबा मुझे कुछ खेलना तो आता नहीं है। ले क्यों नहीं आता, जोरू की गुलामी से अच्छा गेम आप खेल ही नहीं सकते। बाबा ये बात तो है। अच्छा ये बताए किससे सीखा ये गेम? अब्बा से। अच्छा अब्बा और अब्बा ने? बाबा दादा सही से। अरे बाबा और दादा सही ने पर दादा से, और पर दादा सही ने दुम दादा से। हाँ बाबा हम खानदानी जोरू के गुलाम है बाबा, इसमें बड़े हम एक्सपर्ट है। भाई वाह 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 वाह, मैं तो कहता हूँ आप स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल? कौन सा स्कूल? द बेगम हाउस। बाबा तुम जा रहे हैं या मैं छोड़ के आऊं तुम्हें? नहीं नहीं जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। चलो बेगम मैं आपको पहले छोड़ रहा हूं बाबा। चलो। हाँ चलो ठीक है, जानी ले आना सामान, धनिया डलवा लेना बाबा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अरे बाबा तुम बगैर इजाजत अंदर कैसे घुसाए? अरे भाई मैं गुस्सा छोड़ी हूँ, मैं तो आया हूँ। अरे वही भला बगैर इजाजत कैसे आए? अरे तो क्या यहाँ पे आने के लिए कोई पास वास बनवाना पड़ेगा क्या? अरे चलो अभी यहाँ से जाओ, घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है तो फिर एक काम करो, तू मेरे साथ चलो। आ वो क्यों? अरे भाई अकेली रहोगी, डर नहीं लगेगा तुम्हें? अरे नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई भूत नहीं, सिर्फ एक चुड़ैल है। चुड़ैल? चुड़ैल है तो फिर भूत भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि चुड़ैल के बगैर भूत रह नहीं सकता। अरे बाबा तुम इधर क्या कर रहा है? अरे भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब यहाँ में कुछ हो जाता तो? तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई मैं तुम्हारे ही पूछने आया था। अदा ये मेरे से भूत का पूछ रहा था। अरे बाबा तुमने मुझे भूत कहा? अरे भाई मैं तुम्हें भूत क्यों कहूँगा, भूत को बुरा लग गया तो? लगने दो बाबा, मैं भूत की बात का बुरा नहीं मानता, ये बताओ काम क्या है? अरे भाई मैं इसलिए आया था कि रजिया आपा का बेटी डाल रही है, अगर डालोगे तो बताओ 20,000 पे 4,00,000 रुपए। नहीं बाबा रजिया जो है ना हमेशा कमेटी खा जाती है बाबा। अरे भाई ये वो रजिया नहीं है पेंगुइन। बाबा रजिया कोई भी हो वो कमेटी खाई जाती है। अरे अदा कमेटी डाल लो ना, अपन लोग शुरू के पैसे भरेंगे बाद में नहीं भरेंगे, कैसा है आइडिया? किस तरह की बहन हो तुम, भाई को गलत मशवरा दे रही हो? अरे बाबा मेरी बहन है, मुझे कोई सा भी मशवरा दे तुमको क्या है? भाई मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम लोगों के फायदे की बात सोच रहा हूँ। अरे बाबा तुम हमारे ना नुकसान का भी ना सोचा करो, चलो जाओ यहाँ से। देखो तभी से बात करो वरना मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अच्छा चल भला फिर क्या करोगे तुम? क्या कर लेगा, मैं मट्टी फेंक के भाग जाऊंगा पूरे घर में। अबे जाता है तुझे मट्टी में मिलाऊं बाबा भी। ठीक है भागो बाबा। नहीं आ रही हो क्या सदीना? तू वाह है। ओहो आज तो बड़े भरम में जा रहा है। भरम से तो चलेगा ना, घर पे दावत रखी होगी जो। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती, आते जाते लड़कियों को छेड़ते रहते हो, बाप भाई नहीं है घर में क्या? वैसे ये क्या लेके जा रहा है? अंधा हो गया, नजर नहीं आ रहा तुझे? बस एमी खाम खा लोगों का टाइम जाया करना होता, मेरा अगर टाइम जाया किया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जानी हम टाइम जाया करने के भी पैसे लेते हैं। अच्छा मुझसे नहीं मांग लेना। वैसे आज कोई दावत है घर में क्या? नहीं तो। झूठ मत बोल, तेरे घर पे दावत है आज। नहीं नहीं तो। सालगिरह है तेरी। अच्छा एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे? जानी बच्चा मत बन, फेसबुक पर नोटिफिकेशन आ रहा था। अरे आज तेरी सालगिरह है, चल बता क्या चाहिए तुझे। अबे हटाओ यार जाओ अपना काम करो। अबे बता यार। बात सुनो,
मैं सालगिरह वालगिरह नहीं मनाता। तो फिर क्या मनाता है? मैं गम मनाता हूँ। क्यों? हे यार, इंसान की जिंदगी का एक साल कम हो गया, तुम खुशियां मनाओगे क्या? बता यार, तुझे क्या तोहफा चाहिए बता। चल अब तू इतना इसरार कर रहा है तो कोई सोने की कोई चीज मिल जाए तो ठीक है। अभी ले, ये ले सोने की गोलियां, दो गोलियां खा ले, तीन दिन तक सोता रहेगा। अबे रख अपने पास नींद की गोलियां। जानी एक काम कर, सीधा निकल नाक की सीट में। शाबाश, बड़ा आया सोने की चीज। अरे बाबा ये बताओ कि वो अंदर आया कैसे था? अरे बाबा दरवाजे से, शुक्र करो जिस तरह का वो है ना, वरना वो तो कूद के अंदर आ जाता। हाँ बाबा, लेकिन एक बात समझो बाबा, उससे जरा बच के रहा करो, सही आदमी नहीं है वो। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। अरे बच्चू भाई वाह, इतना अच्छा कर रहे हो। अरे चलो बला ठीक है, ये बताओ कि किसकी सालगिरह का गाना गा रहे हो? गौर करें आप, फिजा में क्या खुशबू फैली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहारों का मौसम और फूल ही फूल खिले हुए। अच्छा क्यों बला? क्योंकि आज के दिन मैं पैदा हुआ था ना। अरे बाबा तुम पैदा भी हुए थे फिर? अरे बाबा मैं तो समझा किसी साइंसदान ने तजर्बा किया था जो नाकाम हुआ है। बच्चू भाई आपके मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अरे अगर जाने की साल करे तो अपन लोग ऐसा करते कि पार्टी करते हैं। हाँ बाबा पार्टी के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो इस गरीब के पास नहीं है। जानी ऐसा करो कि तुम दावत दे दो बाबा, जो भी आएंगे ना लिफाफे मिलेंगे ना, अपन लोग ऐसा करेंगे कि डेकोरेशन और खाने के पैसे उसमें से दे देंगे। गुड आइडिया, बल्कि कुछ बच भी जाएंगे। हाँ बाबा जो बच जाएंगे वो मैं अपने पास रख लूंगा। क्यों? बाबा जगह का किराया नहीं दोगे क्या? अच्छा चलो ठीक है दा। जानी देखो तुम जिसको भी दावत दो उसको कहना बाबा बगैर लिफाफे के कोई भी ना है। अच्छा ठीक है, मैं जरा ये लिफाफा उधर रख देता हूँ और मैं सबको दावत दे देता हूँ। जाओ बाबा जाओ। जंगल में मंगल तेरे ही दम से। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तुम लोग गुब्बारे क्यों फुला रहे हो? अरे बाबा जानी जो है ना वो नौकरी छोड़ के जा रहा है, कह रहा गुब्बारे बेचूंगा। है जानी? अरे नहीं नहीं बाबा मजाक करे, वो जानी की सालगिरह है ना, हम लोग पार्टी करेंगे। और मैंने जाके सबको दावत भी दे दी और सारे आ रहे। लेकिन इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे बाबा हमने सेटिंग कर ली है। क्या सेटिंग? लिफाफे आएंगे ना बस हो जाएगा। तो तुम लोगों ने खाने और केक का ऑर्डर दे दिया? वो तो कब से मैंने, और वक्त पे आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए सालगिरह पे। चलो बाबा नया सूट ले आते हैं। अरे बाबा सालगिरह पे कौन पहनता है नया सूट? हाँ ना मैयत पे पहनते हैं, कफन से मैचिंग करके, है ना? क्या? अरे आप लोग जाएं नया सूट लेके आए। अरे नहीं बाबा एक काम करो, नया सूट मत लेकर आओ, घर पे जो कपड़े पड़े उसी में से ढूंढो बाबा, निकाल लो उसी में से। जाओ बाबा शाबाश। चलो शाबाश शाबाश जाओ। जाओ करीना अलमारी में ही देख लेते हैं शायद कुछ निकल आए। ठीक है, ऐसे भी कोई इतना खास इवेंट थोड़ी है। ओहो जानी की बर्थडे, जानी मैं तो वही कपड़े पहनूंगी जो तुमने मेरे को लेके दिए। शोर नहीं मचा बाबा। बच्चू भाई गुब्बारे तो जाया मत करें। अरे बाबा परेशानी क्यों बताए, लिफाफे है ना। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बैठ के पसे मां। अरे बाबा तुम क्यों? अरे पापा तुमको किसने बुलाया है? तेरे को किसने बुलाया? मेरे बेटे का घर है। तो मेरी बेटी का घर है। एक्सक्यूज मी जी जी, ये आपके बेटे का घर है और आपकी बेटी का घर, तो भाई प्रॉब्लम क्या है? आप कौन? मैं आलिया और आप? मैं छालिया जी। मुझे छालिया नहीं सौंफ पसंद है। और आप? मैं सौंफ, बड़ा खुशबू है मेरे में जी। मेरा मतलब कहने का है कि ये मौलादाद और मैं हशमत। अच्छा वैसे आप दोनों की हिम्मत को तो दाद है भाई। आप यहाँ कैसे बाबा? जानी की सालगिरह में आई हूँ। हम भी उसी में आए हैं। चले फिर अंदर। बाबा एक शर्त है। क्या? ऐसा है कि जब केक कटेगा ना तो मिलकर तालियां बजाएंगे। और आप ऐसा करना अपने हाथों से मेरे को केक खिलाने का। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हटे यहाँ से। नहीं होगा तो माहौल बना लेते हैं, चलो। अरे बाबा हटो, मुझे भी शीशा देखने दो ना। बच्चू मुझे तैयार होने दे, आप बिल्कुल सही लग रहे हैं।
अरे बाबा जल्दी करो, मेहमान आने वाले। बच्चू क्या हो गया, कोई भी इतनी जल्दी नहीं आता, सब खाने के टाइम पे आएंगे। वैसे ये बताएं खाने में क्या ऑर्डर दिया है? अरे बाबा बिरयानी, नल्ली बिरयानी बाबा, जानी ने खुद ऑर्डर दिया है। हम जानी को गिफ्ट क्या दें? बाबा झाड़ू दे देते हैं। झाड़ू? हाँ बाबा, वो कह रहा था झाड़ू खत्म हो गई है, वो मंगवा दो। बच्चू दिमाग ठीक है आपका क्या? अदा भाजाई, भाजाई अदा, अब बता भला मैं कैसी लग रही हूँ? वाह जरीना वाह, ये तो बड़ा प्यारा सूट है बाबा, अच्छा लग रहा है। क्या मतलब बच्चू, मेरा सूट अच्छा नहीं है क्या? मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। हाँ तुम्हारा सूट अच्छा लग रहा है, तुम नहीं। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ समझी तुम? अगर यकीन ना तो शीशे से पूछ लो। हाँ शीशा तो हमेशा झूठ ही बोलता है। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलती हो? तो तुम कौन सा सच बोल रही हो? और बात सुनो, मेरे मुंह मत लगाओ वरना। अरे बाबा सबर करो, क्या हो गया तुम दोनों को? बाबा घर में तकरीब है और तुम दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गई हो, देखा तो करो माहौल बाबा, क्या हो गया? जरीना तू मेरे साथ आ बाबा, चल चल बाबा, चल चल इधर आ जा बाबा, पटका भूल। देख लिया भाई, देख लिया यार। अच्छा तुम लोग जाओ। जी बड़े भाई कौन? गौर से देख, लाया हूँ केक और बिरयानी की देख। अच्छा तो फिर आओ अंदर आइए। अंदर को छोड़, ये पेमेंट कौन करेगा, ये पैसे कौन देगा? पेमेंट जाहिर सी बात है मैं ही करूंगा, लेकिन सालगिरह के बाद। तेरी सालगिरह बच्चे की है? नहीं, मेरी जाती सालगिरह है। शर्म करो, तुम्हें बच्चे की सालगिरह करनी चाहिए, अपनी कर रहे हो। भाई मेरी तो शादी भी नहीं हुई। और होगी भी नहीं तेरी शादी। क्यों? तेरे में रखा क्या है, बच्चा क्या है? अबे अजीब सा बुड्ढा है तू, निकल जा से। ऐसे नहीं जाऊंगा, पैसे लेके जाऊंगा बाबू। अच्छा एक काम कर भाई मेरे, अंदर आ जाओ, सालगिरह अटेंड कर लो, सालगिरह के बाद लिफाफे खुलेंगे ना तो फिर ले लेना। अच्छा चल फिर। आओ भाई भाई, किधर गए वो भाई? इधर आओ, उठाओ ये। आओ आइए आप अंदर। भाई देख उठाओ। आओ आओ अंदर आए, अंदर आए। आइए आइए आइए। मेरे को लग रहा है कि मैंने तेरे को कहीं देखा है पहले। अच्छा कहाँ देखा है? मेरे शादी के एल्बम में देखा होगा, बराबर में दुल्हन बन के बैठी थी। क्या बकवास है, किस टाइप के हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है, तुम कैसा? मैं भी ठीक। बाबा धनी आप कैसे हैं? बाबा मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वैसे ही मुझे छोड़ के गया था। और आलिया तुम कब आई? बस अभी। सीमा ये दोनों आपके फादर्स हैं? हाँ क्यों? ये दोनों ना कब से मिलकर मुझे छेड़ रहे हैं। अरे बाबा अब नहीं छेड़ेंगे। अच्छा क्योंकि बाबा मैं छेड़ूंगा। चुप, नहीं मेरा मतलब है आपके आने का शुक्रिया। वैसे अचानक बाबा ये जाने की सालगिरह कैसे हो गया? अरे बाबा साईं ये छोटी छोटी खुशियां तो होती है। खाने में क्या रखा जी? बिरयानी है। मैं चावल नहीं खाता ना। क्यों पापा जानी? बाबा महंगा है ना इसलिए। आप केक खा लीजिएगा लेकिन अपने हाथ से। अरे बाबा आप दोनों लिफाफे लाए ना। बाबा जानी ने कहा था कि बगैर लिफाफे के मत आना। आओ आलिया मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। आओ मैं, आप बैठो बाबा मैं दिखा देता। अच्छा आप ही दिखा। आओ मुझे तू तड़ाक। खैर मैंने पहचाना नहीं मोहतरमा, कौन है आप? मैं मोना हूँ, मानी की बहन। मानी? मानी मानी, अच्छा 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 अच्छा। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, बड़ा ही बदतमीज लड़का, आते जाते लड़कियों को छेड़ता है। असल में वो लाडला है ना इसलिए बिगड़ गया। अच्छा लेकिन मानी ने कभी बताया नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बहन है। कोई अपनी बहन के बारे में बताता है क्या? हाँ ये बात भी है। अच्छा हस्बैंड कहाँ है आपके? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बस यही पता करना था जी। मेरा मतलब है आने का शुक्रिया। अच्छा ये छोड़ें, ये बताएं केक कब कटेगा? पहले जेब काटेंगे फिर केक काटेंगे। ये बताएं लिफाफे लाई हैं जी? मेरा मतलब है लिफाफा लाई है ना? जी जी, वो मानी ने कहा था कि लिफाफा ले जाना मत भूलना। अच्छा तो लाई, तो बाहर क्यों खड़ी हुई? आइए अंदर आइए आइए आइए। हाय हाय लिफाफे नहीं दूंगा। एक मिनट स्वागत भाई, करता हूँ। बच्चू भाई एक मिनट, बोटिया है? नहीं है बाबा, नहीं है।
अब आ रहा ला रहा लाओ भाई, मेरे साथ फैमिली है। अरे अरे बाबा हसमत जी, मेरी बूटी उठा रहे बाबा। अरे ये क्या यार, मेरा बोटी ले लो ना। अरे इसमें हड्डी है बाबा, हड्डी को मैं क्या करूंगा यार। समझ नहीं आया क्या, ये हड्डी के साथ कहीं कहीं बोटियां चिपकी हुई है। ओ बाबा, चिपकी। अरे नहीं है इसमें क्या है, ये बूटी है, ये बोटी है। मुंह में डायरेक्ट मुंह से उठाओ, मुंह से उठाओ, मुंह से उठाओ। अरे बाबा मुझे लगता है कि बिरयानी में बोटियां कम है। बच्चू ये बिरयानी किससे बनवाई थी? ये जावेद भाई ने सारी बोटियां तो इसने अपनी प्लेट में रख लिए। जावेद भाई खुद नहीं बना चाहिए, ये शादी ब्याह में जो खाना बच जाता है ना वो जूठा लेके आता है। एक मिनट रुक जा, मेरे साथ फैमिली। अरे आराम से भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई तो बहुत बड़े लूट। अरे बाबा लुटेरे निकले हो बाबा, तमीज रख। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अबे तालियां वाले नहीं बजाओ। Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Jani, Happy birthday to you। बच्चू भाई सबसे पहले आप मुंह खोलें, ये ले। बाबा मेरा मुंह मत खोलो, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो सबको सब कुछ बता दूंगा। अरे बाबा सबसे पहले मैं खाऊंगी। नहीं घर की मालकिन मैं हूं तो सबसे पहले मैं खाऊंगी। अरे बाबा सबसे पहले मैं खाऊंगा फिर बताऊंगा। क्या बाबा क्या, इस पे जहर है या नहीं है? केक तो मैंने अपने हाथों से बनाया भाई। अच्छा अगर अपने हाथों से बनाया तो जहर तो जरूर होगा ना इसमें। एक मिनट, मरने से पहले लिफाफे जरूर दे के जाए आप लोग। हाँ बाबा ये अच्छी बात है, सब लिफाफे देते जाओ बाबा और केक खाते जाओ और बाहर जाते जाओ। चलो चलो शुरू करो। चलो बाबा लाओ 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 बाबा लाओ। हाँ भाई ये लेना क्या, ये ले ले भाई, ये ले। लाइट देने का, मेरी बिल्ली भूखी है उसको दे। अरे जल्दी दो भाई, मेरे साथ फैमिली है। ये देखो तुम्हारी सालगिरह की कमाई, गिन लो। हाँ बाबा दे 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 बाबा दे। जल्दी गिनो भाई, पेमेंट करो मुझे देर हो रही है। अरे बाबा मेरे अलग कर देना। हाँ, मैं भी करो जाए। सबसे पहले शौकत भाई का, शौकत भाई बड़े प्यारे आदमी, बहुत सारे पैसे देके जाते हैं। बहुत ही घटिया आदमी निकला, मेरे एक रुपया भी नहीं दिया उसने। आलिया आलिया कितनी प्यारी है, अल्लाह उसको खुश रखे, इतने सारे पैसे दे गई होगी मुझको। आलिया क्या हो गया आलिया, आलिया मोना 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 में खाली। अरे बाबा क्या बात कर रहे हो, इधर देखा बाबा देखा। अरे हाँ बाबा तुम भी देखो, देखो जल्दी जल्दी देखो बाबा। अरे बाबा ये भी खाली है। अरे बाबा ये भी खाली है बाबा। अरे बाबा ये तो सब खाली है बाबा, अब क्या होगा। ये तो सब खाली है जानी, तुमने क्या कह के बुलाया था लोगों को? मैं तो ये कह के आया था जो आएगा लिफाफा साथ लाएगा। अरे लिफाफों का कहा था तो लिफाफा ही मिलेंगे ना। अरे बाबा अब क्या होगा, बहुत खर्चा हो गया है मेरा। भाई मेरी पेमेंट का क्या होगा? अबे तुझे पेमेंट की लगी हुई है, बात सुन, बिरयानी में तो बोटियां थी नहीं। बाबा जानी एक काम करते हैं, इसी से सारी पेमेंट निकलवा लेते बाबा। बैक करो इसको। जानी हम सोच रहे थे कि हम ना बैंक से प्राइस बॉन्ड ले ले, क्या अब तक हमारा निकला है? तो मैंने भी खरीदा था। अच्छा बाबा फिर निकला? हाँ बाजार गया, जेब से ही निकल गया। अरे तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या पता हमारा निकला है। अरे बाबा मेरे को गुस्सा आ रहा है। बस तुम्हारा यही गुस्सा तो मुझे अच्छा लगता है। अरे भला क्यों? क्या बताऊँ मुझे ना शर्म आ रही है। क्यों ना रहो जानी, मेरा एक ही शौहर था। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। बच्चू है क्या? नहीं अभी तो घर पे नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। जी नहीं अब वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अगवा कर लिए गए हैं। बच्चू लेकिन मैंने तो ही भेजा था, ये शी बन के कैसे आ गया? क्या बकवास है ये,
जानी, आवाज भी बदल गई है। बच्चों को हमने ही अगवा किया है, और अगर जरा भी चलाकी करने की कोशिश की तो बच्चों की लाश मिलेगी लाश। नहीं, ये बताएं कि आपको क्या चाहिए? तावान। तावान ना मिले तो ताफ्तान चलेगा? साइमा ने बुलाया है ना? अरे साइमा ने बुलाया तो बोला साइमा के घर जाओ, यहाँ क्यों आई हो? साइमा यही है। और नहीं नहीं बाबा, यहाँ नहीं रहती साइमा। नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बा...